1940 से 50 का दशक था। उस वक्त देश के ज्यादातर लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देश की महिलाओं को घर की दहलीज तक लांघने के लिए हर रोज अपने ही घर वालों से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। साल 1947 आया, अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे और देश को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन महिलाएं अब भी समाज की बेड़ियों में कैद थी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के चेहरे पर घूंघट आवरण अब भी उसी तरह बना हुआ था। हर घर की दहलीज पर पुरुष सत्ता की एक दीवार थी, जिसे लांघना महिलाओं के लिए किसी जंग के ऐलान जैसा था। उस जमाने में यूपी की एक महिला पहलवान शर्म की जंजीरों को तोड़कर पुरुष पहलवानों के अखाड़े में कूद पड़ती है। वो ललकारती है महिलाओं को बेड़ियों में कैद करने वाले पुरुष प्रधान समाज को और अखाड़े में मर्द पहलवानों को पटक पटक कर उनका मनोबल तोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ गायत्री। हमीदा बानो, शायद आपने इससे पहले ये नाम कभी नहीं सुना होगा। ये वो महिला पहलवान है जिसने उस जमाने में लाहौर से लेकर बंगाल तक और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई थी। कद 5'3", वजन 107 किलो, लेकिन खुद पर भरोसा इतना कि खुलेआम बड़े से बड़े धुरंधर अखाड़े में ललकार लगाती थी, पुरुष पहलवानों को धूल चटाने की चुनौती दे देती थी। हमीदा बानो का जन्म यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। बचपन से ही हमीदा को कुश्ती लड़ने का शौक था, लेकिन उस जमाने में महिलाओं को अखाड़े में उतरने कहां दिया जाता था। हमीदा भी पूरी हटी थी। परिवार का साथ मिला तो बचपन से ही उन्होंने पहलवानी के दांव पेच खेलने शुरू कर दिए थे। अलीगढ़ में पहलवान सलाम से ट्रेनिंग लेकर हमीदा ने मंझे हुए पहलवानों की तरह अखाड़ों में बड़े बड़े सूरमाओं को चित करना शुरू कर दिया था। दरअसल भारत में कुश्ती का खेल हमेशा काफी पसंद किया जाता रहा है। मौजूदा दौर में देश की बेटियों ने ओलंपिक से लेकर कुश्ती तक में सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भारत का मान बढ़ा रही है। लेकिन उस जमाने में जब कुश्ती को सिर्फ पुरुषों का खेल माना जाता था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई महिला पहलवान बनकर अखाड़े में उतर सकती है। अब सोचिए, उस जमाने में मिर्जापुर की हमीदा ने रेसलिंग में अपना नाम बनाया। हमीदा को भारत की पहली महिला रेसलर भी माना जाता है। कहते हैं कुश्ती के अखाड़े में अच्छे से अच्छा पहलवान भी उनके सामने नहीं टिक पाता था। हमीदा बानो को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो खुलेआम पुरुषों को चुनौती देती हुई कहती थी कि जो मुझे दंगल में हराएगा उसी से शादी करूंगी। सही मायने में हमीदा को जिस कुश्ती मैच ने पहचान दिलाई थी, वो मैच आजादी से पहले साल 1937 में लाहौर के फिरोज खान के साथ खेला गया था। बताया जाता है कि कुछ ही मिनटों में हमीदा ने लाहौरी पहलवान फिरोज खान को धूल चटा दी थी। एक महिला से मैच हारने के बाद खुद फिरोज खान को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैसे हार गए। उस मैच के बाद से हमीदा देश भर में पॉपुलर हो गई। खान के बाद हमीदा ने एक सिख और फिर कोलकाता के एक पहलवान को हरा दिया, जिसका नाम था खड़क सिंह। इन दोनों को ही हमीदा को मैच हराकर शादी करने के लिए चुनौती दी गई थी। कहते हैं उस जमाने में जितनी दिलीप कुमार की फिल्मों की चर्चा होती थी, उतनी ही चर्चा हमीदा बानो की होती थी। कभी पहलवानों को चित करके शादी के प्रस्ताव को लेकर, तो कभी अपनी जबरदस्त खुराक को लेकर हमीदा चर्चा का विषय बनी रहती थी। महिला पहलवान की डाइट सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाया करते थे। वो कद में जरूर छोटी थी, मगर खुराक दारा सिंह से भी ज्यादा लेती थी। दावे के मुताबिक हमीदा दिन में 6 लीटर दूध, 3.25 किलो सूप और 2.25 लीटर फलों का जूस पीती थी। इसके अलावा रोजाना 1 चिकन, 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, 1 किलो बादाम, 2 बड़ी बड़ी रोटियां और 2 प्लेट बिरयानी खाती थी। डेली रूटीन के 24 घंटों में वो 9 घंटे सोती थी और 9 घंटे खाती थी। बचे हुए 6 घंटे जमकर एक्सरसाइज करती थी। एक दौर ऐसा भी आया जब हमीदा बड़े बड़े पहलवानों को हराती जा रही थी और वो बेचारे शर्म के मारे कुश्ती से संन्यास लेते जा रहे थे। हमीदा के कारनामों से देश के अखाड़े खाली होते जा रहे थे। हमीदा की ललकार सुनते ही पहलवान अपनी लंगोट उतार कर खूंटी पर टांग दिया करते थे। बस यही बात हमारे पुरुष प्रधान समाज को खटक रही थी। एक वक्त आया जब पुरुषों की पूरी जमात हमीदा के खिलाफ हो गई। गुस्सा इस बात का था कि कोई महिला कैसे पुरुषों को ललकार सकती है, कोई महिला कैसे पहलवानों को अखाड़े में धूल चटा सकती है। पुरुषों का एक गुस्सा फूटा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक दंगल में, जहां हमीदा ने शोभा सिंह पंजाबी नाम के एक पहलवान को 1.5 मिनट में चित कर दिया। पंजाबी पहलवान के परास्त होते ही लोग इतना भड़क उठे कि हमीदा पर पत्थर बरसाने लगे। उस वक्त भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को लगता था कि हमीदा के खिलाफ डमी पहलवान उतारे जाते हैं, तभी वो इतनी आसानी से जीत जाती है।
इसी वजह से मैदान में उतरने से पहले कई बार पहलवान पहले ही खुद को हारा हुआ समझ लेते थे। हमीदा के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि उनके मुकाबले रद्द किए जाने लगे। इसकी शिकायत लेकर हमीदा बानो उस वक्त बंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने भी ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं कि आयोजक ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपके खिलाफ डमी पहलवान उतारते हैं। खैर, जल्द ही लोगों का ये भ्रम भी दूर हो गया। 1954 में हमीदा ने एक मैच में रूस की वीरा चेस्लिन को एक मिनट से भी कम वक्त में चित करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। छोटे गामा नाम के पहलवान भी उन दिनों काफी फेमस हुआ करते थे। रूस वाले मैच का सुनकर आखिरी समय में उन्होंने भी हमीदा के साथ कुश्ती करने से मना कर दिया। इसकी वजह थी कि छोटे गामा भी कभी कोई मैच नहीं हारे थे, लेकिन अगर हमीदा से कुश्ती लड़ते तो शायद उनका विजय रथ भी रुक जाता। हालांकि रूस की वीरा को चित करने के बाद हमीदा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका था। अब वो यूरोप जाकर पहलवानों को मात देने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। बताया जाता है कि हमीदा बानो के ट्रेनर पहलवान सलाम नहीं चाहते थे कि वो यूरोप जाकर कुश्ती लड़े, लेकिन हमीदा अपनी जिद पर अड़ी रही। इस बात से नाराज होकर सलाम पहलवान ने डंडे से मार मार कर हमीदा के हाथ पैर तोड़ दिए। इसके बाद हमीदा बानो कुश्ती और अखाड़े की दुनिया से गायब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में दूध बेचकर उन्होंने जैसे तैसे अपना जीवन यापन किया। दोस्तों, मिर्जापुर से महिला कुश्ती की जो मिसाल लेकर हमीदा बानो निकली थी, उसकी लौ आज भी यहाँ प्रज्वलित है। देश की बेटियां आज कुश्ती में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का परचम लहरा रही है, देश का नाम बढ़ा रही है। इसकी एक बड़ी वजह हमीदा बानो भी है। समाज की बेड़ियों को तोड़कर पुरुष प्रधान समाज को ललकारने वाली हमीदा बानो की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।